Welcome you to this uptrending shares this edition. I am Anil Sharma और आज हम बात करेंगे दो bombshell strategies की. ये वो strategies हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई हैं और ये जो strategies हैं ये मेरी खुद की अपनी डिवाइस करी हुई हैं. दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट में कमाने के लिए हज़ारों strategies हो सकती हैं. हर जो ट्रेडर है उसको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए. होता क्या है कि शेयर मार्केट में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा के ले जाते हैं, बाकी सब के सब पैसा गंवा देते हैं. बहरहाल आप मेरी स्ट्रेटजी को आज सुनिए और देखिए कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये स्ट्रेटजीज़ कैसी हैं और मैं इनका आपको बैक टेस्ट भी करवा के दिखा दूँगा ऑन कंप्यूटर्स. That is a reality check. ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी bombshell strategy number one क्या है. दोस्तों strategy में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक understanding होती है और वो understanding ये है कि buy fundamentally strong stock. देखिए अगर stock के अंदर problem है तो फिर कोई strategy काम नहीं करती है. Then the trade must be in the uptrend. ये ऐसे होना चाहिए, फ्लैट के अंदर नहीं, डाउन में तो किसी हालत में नहीं, दोनों के अंदर किसी हालत में नहीं, सिर्फ ट्रेड मस्ट बी इन द अप ट्रेंड. शेयर जो है उसका जो रफ वो जो है स्लोप जो है या जो उसका ट्रेंड है वो एकदम स्टीप अप होना चाहिए. वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है जो कि दो दिन से लेकर 18-20 दिन महीना भर तक शेयर मार्केट में उस स्टॉक के साथ रहना चाहते हैं. ठीक है, एंड ये एप्लीकेबल है स्ट्रेटजी ओनली ऑन द इट इज़ ए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ओनली और इसको हम इंटरडे के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते. हाँ, पोजिशनल के अंदर इसको हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं जैसे हम कि आगे देखेंगे. देन इसके अंदर जो बेसिक एक थिंकिंग जो है कि वी आर राइडिंग द मोमेंटम. जब तक स्टॉक ऊपर है तब तक हम स्टॉक के साथ हैं, जैसे ही स्टॉक नीचे आया हम बाहर. होल फिलॉसफी इज दिस. दोस्तों एक कीड़ा मेरे दिमाग में था, शुरू से ही रहा एक कीड़ा मेरे दिमाग में और वो आपके दिमाग में भी होगा, सब ट्रेडर्स के दिमाग में होता है कि आप सबसे नीचे पकड़ो और सबसे ऊपर बेचो. किसी को ये मिलता नहीं है. तो मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर मार्केट के अंदर पिछले 50-52 साल का और जब से कंप्यूटर आए हैं तब से मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये हो सकता है. और इसका मैं आपको ओरिजिन भी बता दूंगा कि मेरे दिमाग में ये बात आई कैसे. चलिए आराम से बैठ जाइए कुर्सी के ऊपर, जंप मत करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंक्लूजन मत करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको रियलिटी चेक जो है करवाऊँगा बाद में. और शांति से सुनिए दोस्तों, ये हमारा एक शेयर है. ठीक है, ये हमारा एक शेयर है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं. यहां पर हमने ली है मूविंग एवरेज 2. क्यों ली है मूविंग एवरेज 2, ये मैं स्ट्रेटजी के एंड में आपको बताऊंगा. अब देखिए शेयर जो है ना ये अप ट्रेंड के अंदर है, ये फ्लैट नहीं है, नीचे तो ये है ही नहीं. तो जैसे ही यहां पर मूविंग एवरेज ने प्राइस को कट किया यहां पर हमने बाई कर लिया. क्या कर लिया, यहां पर हमने बाई कर लिया. चलते गए जब तक ये जो प्राइस लाइन है, ये वाली जो है ये प्राइस लाइन है और ये जो है मूविंग एवरेज 2 है. ठीक है, तो जब तक ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये जो लाल लाइन है ये काली के ऊपर है, हमको डरने की ज़रूरत है ही नहीं. चलने दीजिए. यहाँ पर आके इसने एक सेल सिग्नल दे दिया. तो यहाँ पर हमने बाय किया, यहाँ पर हमने सेल कर दिया. लेकिन वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसने कोई न्यूज़ आई, इसने सॉरी वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ये जो है लाइन जो है फ्लैट होनी चालू हो गई. कोई बात नहीं, जैसे ही ये इसके ऊपर यहाँ पर आई
या से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई, इसलिए जैसे ही मोमेंटम, देखिए ये अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ये फ्लैट हो गया था, जैसे ही ये अप ट्रेंड के अंदर आया यहाँ पर हमने फिर बाई कर लिया और फिर इस मोमेंटम को हमने राइड करना चालू कर दिया। जब फिर ये इसको काटेगी तो फिर हम प्राइस जब मूविंग एवरेज को काटेगी हम बाहर आ जाएंगे। एक तो सिचुएशन ये बैठती है, सेकंड सिचुएशन इज जो कि अक्सर 10 में से 8 बार होगा वो ये होगा कि यहाँ पर मोमेंटम ख़त्म हो गया और शेयर जो है वो नीचे आ गया। छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो आपने इसको सेल किया हुआ है ही, यहाँ पर इसको वापस बाई कर लीजिए और दोबारा जो है मोमेंटम जो है आप एक बार और मोमेंटम के अंदर आ जाइए और आप चालू रखिए जब तक ये जो प्राइस लाइन है इसको कट नहीं कर देती है। ये जो स्ट्रेटेजी है, दिस स्ट्रेटेजी कैन बी एनी वेयर फ्रॉम 2 डेज टू से रफली अबाउट 15-20 डेज ऑन एन एवरेज। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है और इसका ओरिजिन कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम सब ने कैंडलस्टिक चार्ट पढ़े हुए हैं, तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इन कैंडलस्टिक चार्ट में क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो हमने चार्ट लिया है जो मूविंग एवरेज ऑफ 2, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से हमने इसको लिया है। ठीक है, हर्मी पैटर्न हो सकता है, पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है, ठीक है, एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, वहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज 2 लगती है। तो स्ट्रेटेजी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, दिस वी विल सी एक्चुअली जब हम देखेंगे इसको कंप्यूटर में भी देखेंगे। ग्रेट स्ट्रेटेजी, आप ट्राई करिए, मैं कंप्यूटर पे आपको दिखाता हूँ। ये 2 मैं वीडियो साइमल्टेनियसली अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको भी देखिए और जो कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ आपको रियलिटी चेक वो भी देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये। तो दोस्तों ये तो हो गई पहली स्ट्रेटेजी, अब हम देखते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या है। देखिए ये जो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है ना, मूविंग एवरेज ऑफ 2, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ट्रेडिंग दैट विल इंक्रीज। अगर आप मूविंग एवरेज 10 में लेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ अगर आप 5 कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, 4 या 5 बार ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है आप 2 बार ही करें या 1 बार ही करें, डिपेंड करता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या है, बॉम्ब शेयर स्ट्रेटेजी नंबर 2। मुझे किसी ने नहीं बताया, माई ओन स्ट्रेटेजी, हजारों में से हजारों जो स्ट्रेटेजीज हैं उनमें से एक स्ट्रेटेजी ये भी है। चलिए देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये क्या है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसका भी हम बैक चेक करेंगे रियलिटी से। और ये देखिए ये जो है ना, ये जब हम मूविंग एवरेज, इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों। पहली चीज़ ये है कि वीकली चार्ट, वीकली चार्ट मतलब क्या, एक हफ्ते के अंदर 5 दिन ट्रेडिंग होती है, 2 हफ्ते में 10 दिन ट्रेडिंग होती है। तो ये जो चार्ट है वीकली चार्ट है, तो इसके अंदर मूविंग एवरेज भी रखेंगे हम 2, वीकली चार्ट और मूविंग एवरेज ऑफ 2। इसके अंदर चीज़ तो बड़ी सिंपल होगी, नेचुरली जब वीकली चार्ट हम ले रहे हैं तो इसके अंदर जो ये प्राइस होगी वो भी ऐसे ही होगी और इसके अंदर जो चार्ट बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इतनी सिंपल चीज़ है जिसका हिसाब नहीं है। यहाँ पर आप बाई करिए, यहाँ पर आप सेल करिए और यहाँ पर अगर ये वापस ऊपर जाती है तो यहाँ पर फिर आप इसको बाई करिए एंड जस्ट राइड द ट्रेंड। फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेटेजी है ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, यू आर राइडिंग द मोमेंटम। यहाँ पर आपको बहुत लंबी 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 बाजियाँ मिलेंगी और जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, ये यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है इतनी भी शॉर्ट टर्म नहीं है। हो सकता है ये जो स्ट्रेटेजी है आपको अप टू 3 मंथ्स और मोर, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपने एक बार ही बाई कर लिया तो मालूम पड़ेगा कि एक एक शेयर में आपको अगर 10 रुपये का शेयर है, थोड़ा बड़ा शेयर है, 200-200 रुपये एक शेयर के पीछे मिलेंगे। ठीक है, छोटा शेयर है
तो हो सकता है 10-20 रुपए पर शेयर या 30-40 रुपए पर शेयर। कहने का मतलब है ज़बरदस्त इसके अंदर कमाई है, दोनों में कमाई है, उसमें बार बार कमाई है, इसमें कमाई जो है लंबी है, उसमें कमाई टुकड़ों के अंदर है। पहली स्ट्रेटजी में टुकड़ों में कमाई है, इसके अंदर जो है लंबी कमाई है। सो दोस्तों दोबारा बोलता हूँ, बाय द बेस्ट शेयर, रिमेन इन द अप ट्रेंड, आपका ट्रेड इज ओनली इन द अप ट्रेंड, और स्विंग ट्रेडिंग है, राइड द मोमेंटम, बस हर जगह यही है अप ट्रेंड में, यू राइड द मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम स्ट्रेटजी, नथिंग एल्स। और जब भी प्राइस काटती है मूविंग एवरेज को, नीचे से काटे यू बाय, ऊपर से काटे यू सेल, सो सिंपल, राइट। और ओरिजिन इसका क्या है, इसका कैंडलस्टिक चार्ट में ओरिजिन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना वीकली चार्ट्स में है। और दूसरी बात है कि ये भी जो है ना, ये charting.com में मैं आपको दिखाऊंगा इसका। तो दोनों जो वीडियोज़ हैं ना, इनको आप साथ साथ देखिए और आपको मालूम पड़ेगा कि आप शेयर मार्केट में टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ मनी कमाएंगे। फाइन, सो दोस्तों ये है बॉम्बशेल स्ट्रेटजीज़ की मूविंग एवरेज की सीरीज़। मेरे जो पिछले 5-6 वीडियोज़ हैं, आप सब के सब देखिए बॉम्बशेल स्ट्रेटजी के, एंड यू मेक मनी थ्रू आउट योर लाइफ, हैंडसम मनी कंटिन्यूसली। और अपने कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, एंड अर्न मनी इन शेयर मार्केट। थैंक यू।